आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर फर्स्ट का 25 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहे थे जो सोल्व करवाने कल नहीं हो पाए थे सोल्व, वो आपको सोल्व करवाए। ठीक भाई, तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है साथ में जो भी एग्जांपल्स है, मतलब कहने मतलब है जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि फर्स्ट जिनका ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री फर्स्ट है, अगर वो एग्जैक्ट है तो आप उनको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। आप उनको ये जो मेथड बताया था मैंने आपको, आप उस प्रकार सोल्व कर सकते हो। जिसमें कितने स्टेप होते हैं, जिसमें टोटल स्टेप होते हैं 4, और इसका फाइनली आंसर क्या होता है, इसका फाइनली आंसर होता है U(x)+U(y)c। ठीक है, देखिए अगर आप इन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और अगर पेपर में ये नहीं कहा है, ये अगर ने इंक्लूड नहीं कर रखा कि आप इस मेथड से करो, मतलब अब तक आपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है ना, फर्स्ट ए से लेकर अब तक जितनी पढ़ी है उनमें से जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी की सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप तो फिर कह रहा हूँ जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सारी के सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहो तो आप क्या ना चाहिए, आप सबसे पहले बात कर लेते चरों के पृथक्करण विधि से जितने भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी वो यथार्थ अवकल समीकरण थे, उसके पश्चात आपने संघात अवकल समीकरण सोल्व करें वो भी यथार्थ थे, फिर संघात अवकल समीकरण को समायन वाले समीकरण भी सोल्व किए वो भी यथार्थ थे, उसके पश्चात आता है रैखिक अवकल समीकरण, फिर आता है बर्नौली अवकल समीकरण। तो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन थे सारे एग्जैक्ट थे। अगर पेपर में ये कहा जाए, ये ना कहा जाए, आपको कोई ये नहीं बताया जाए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसको सोल्व कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो आप इस मेथड से करना, सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा और साथ ही साथ आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। मतलब आपको अगर दूसरे मेथड से सोल्व करते हो तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो आपने लीनियर से सोल्व किया तो आपको तो करना क्या पड़ेगा, इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इंडिकेशन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप ओवर मेथड से करते हो तो टाइम भी लगेगा, साथ साथ गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर इस मेथड से करते हो तो आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, एग्जैक्ट है और ये नहीं इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि आप इस मेथड से सोल्व करो, तो आपको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, इसमें सबसे ईजी मेथड यही पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पर दे दिया जाए कि आप इसको रैखिक अवकल समीकरण के मेथड से ही सोल्व करो, तब आपको रैखिक अवकल समीकरण से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपके कल मैंने आपको दो चार एग्जांपल थे आपको बुक के अंदर, जिनमें से मैंने आपको दो दो करवा दिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपका एक्सरसाइज करवा दिया था। अब उसके पश्चात देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy - 3xy² - x³ (dy = 0) (dy = 0). ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका रूप क्या है, इसका रूप है mdx + ndy = 0। ठीक भाई, जो कि क्या है प्रथम कोटि प्रथम घातीय डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका रूप क्या है, इसका रूप है mdx + ndy = 0 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आप से इसकी कंपेरिजन mdx + ndy = 0 से करते हैं तो n की वैल्यू आपको ये मिली जाएगी और n की वैल्यू ये मिल ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, सॉरी दी गई अवकल समीकरण mdx + ndy = 0 की ठीक है, दी गई अवकल समीकरण mdx + ndy = 0 रूप की है। ठीक भाई, जहां m का मान क्या है, जहां m का मान है x + y³ और n का मान क्या है, n का मान है -y³ - 3x²y - 3xy² - x³। ठीक है भाई, ये किसका मान है, ये n का मान है। ठीक है, अब देखिए अब आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है, एग्जैक्ट के लिए करना क्या पड़ेगा, कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एग्जैक्टनेस की कंडीशन जो कि क्या है, डेल m / डेल y = डेल m /
डेल एक्स, ठीक है। तो वो फाइंड आउट कीजिए कि क्या डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एन की वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई टू, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो किसके, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्स वाई का होल स्क्वायर जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, थ्री इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर आएगा, और फिर एक्स वाई का जब आप डिफरेंशिएशन वाई के स्क्वायर में करते हो एक्स का हो जाएगा जीरो, वाई का हो जाएगा वन, फिर इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन थ्री एक्स वाई का। उसके पश्चात डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक भाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप थ्री कॉमन लो, तो थ्री कॉमन लेने के पर क्या आ रहा है, यहाँ से थ्री कॉमन लेने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो अतः दी गई अवकल समीकरण, अतः दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण कैसी अवकल समीकरण है, यथार्थ यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक भाई। दी गई अवकल समीकरण कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण है। इसको सोल्व आपको कितने स्टेप में करना है, इसको सोल्व करना है आपको चार स्टेप में, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, फर्स्ट स्टेप स्टेप में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक फंक्शन फाइंड आउट करना है जो यू जो किसका फंक्शन होगा एक्स वाई का, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यू ऑफ एक्स वाई बराबर होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक भाई। यू ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो एम एम की वैल्यू रिप्लेस करो, तो एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे यहाँ पर एम की वैल्यू है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक भाई। जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, वाई सब यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, वाई बिहेव करेगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरह, ठीक है। वाई भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो देखो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसका जब इंटीग्रेशन करते तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स प्लस वाई को आप क्या मान लो, टी मान लो, ठीक है भाई। एक्स प्लस वाई को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, एक्स प्लस वाई को टी मान लो तो क्या आ रहा है, एक्स को कॉन्स्टेंट है, वाई वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, नहीं वेरिएबल टी के बराबर। डिफरेंशिएशन करते हो तो डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के, ठीक है। डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी बराबर हो जाएगा, वाई तो क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो देखो यहाँ पे डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो, तो यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी टी क्यूब इंटू डी टी, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, टी की पावर फोर अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा टी की पावर फोर अपॉन फोर, जहाँ पे टी क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, टी की वैल्यू क्या एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। ये आपका यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन हो गया। अब उसके पश्चात आपको करना क्या है, उसके पश्चात आपको इस फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई का क्या करना है, आपको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू बराबर होगी डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स। इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स प्लस वाई का होल पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर का क्या होगा, फोर इंटू एक्स प्लस वाई का फोर क्यूब, ठीक है। लेकिन अंश के हर के अंदर क्या है, फोर अगेन पहले से एग्जिस्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। फिर एक्स प्लस वाई का भी आपको क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा जीरो, और वाई का क्या हो जाएगा वन, यानी मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई का
कूल क्यूब होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में करना क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको एन के अंदर से क्या लेस करना है, एन के अंदर से लेस करना है डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक भाई, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो एन की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये तो किसकी वैल्यू है, एन की। इसमें से कौन सी वैल्यू आपको लेस करनी है, लेस करनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की। डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू क्या है, एक्स वाई का होल क्यूब। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है क्या, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई का होल क्यूब थ्री की फॉर्म वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ से क्या चीज है, क्या बचेगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई से थ्री एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर से थ्री एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, माइनस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस टू वाई क्यूब। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का टू वाई क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का टू वाई क्यूब। अब आगे करना क्या आपको, अब आपको फोर्थ स्टेप के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसकी वैल्यू किस वाई के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फंक्शन पी ऑफ वाई के बराबर होगी। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी फंक्शन वी ऑफ वाई के। तो देखिए वी ऑफ वाई क्या होगा, वी ऑफ वाई होगा इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी डी वाई। ठीक भाई, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब देखिए वी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, वी ऑफ वाई की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, माइनस टू वाई क्यूब और ये इंटू डी वाई होगा। आप इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू, तो कॉन्स्टेंट होगा जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, वाई क्यूब का क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में वाई के पावर फोर अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू वाई के पावर फोर अपॉन फोर, मतलब ये हो जाएगा माइनस वाई के पावर फोर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ स्टेप में वी ऑफ वाई फंक्शन हो गया। अब उसके पश्चात देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अवकल समीकरण का हल u ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ वाई बराबर सी होगा। ठीक है भाई, u ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई बराबर सी होगा। इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस बी ऑफ वाई बराबर सी। दैट इज आप क्या कह सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वाई की होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 2 बराबर सी, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सबका समीकरण क्या हो, कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। अब उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f बराबर g। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने आपको बताया था कि प्रथम कोटि और प्रथम घातीय अवकल समीकरण का रूप होगा वो क्या होगा, वो होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो या फिर एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। लेकिन यहाँ पे जो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ ऑफ, इसको मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी आ रहा है। ठीक भाई, ऐसे टाइप में आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस टर्म के अंदर ax plus hy plus g अपॉन hx plus vy plus
ऐप है, इसके अंदर अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, कहने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या एच ओ एक्स। भाई पूरी इक्वेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू बी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बराबर जी, ठीक है। अब देखो इस अवकल समीकरण को, हमने अवकल समीकरण के दो रूप पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर जीरो, और एक हमने पढ़ा है एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m की वैल्यू तो क्या हो गई, ये तो हो गई m की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई n की, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू ये हो जाएगी, n की वैल्यू ये हो जाएगी। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो इस रूप में चेंज करो या फिर इस वाले रूप में चेंज करो। हम किस में चेंज करेंगे, हम इस रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर तब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, वो देख बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो दी गई अवकल समीकरण को, दी गई अवकल समीकरण को, दी गई अवकल समीकरण को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ से गुणा करने पर, ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है, ये आ रहा है। अब आप ये कौन से डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन से रूप की है, ये आपकी एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा वन, और इसकी फोर्टी सॉरी इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री भी क्या होगी वन होगी, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जो के एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की, जीरो रूप की अवकल समीकरण है, ठीक भाई, जो कि एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रूप की अवकल समीकरण है, जहां 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 एम का मान क्या है, जहां एम का मान है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और एन का मान क्या है, एन का मान है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। अब आपको कैसे करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करो, एग्जैक्टनेस की कंडीशन फाइंड आउट करो, जो कि क्या है डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो, सबसे पहले तो डेल एम अपॉन डेल वाई की, मतलब एम का वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एच के बराबर, ठीक है भाई, ये किसके बराबर आया है एच के। इसी प्रकार एन का आप एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ रहा है, ये भी एच के बराबर आ रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। अब इसका सोल्यूशन अब ये इसके बराबर है डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो, ये अवकल समीकरण कैसे अवकल समीकरण है, ये थर्ड अवकल समीकरण है, और इसका सोल्यूशन आप इस स्टेप में फाइंड आउट करना है, चार स्टेप में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक भाई, दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, ठीक भाई, कैसे अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण। इसका सोल्यूशन आपको कितने स्टेप में फाइंड आउट करना है, चार स्टेप में, जिसमें फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी जहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई फंक्शन किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर, ठीक है भाई, ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स के, एम की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक भाई, तो एम की वैल्यू रिप्लेस करो, एम की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। आप देखिए आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, क्या इंटीग्रेशन करने से क्या आ रहा है, यह आ रहा है ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एच
एक्स वाई प्लस जी एक्स टी वाई, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एच ऑफ एक्स वाई प्लस जी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ये यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। सेकेंड स्टेप में करना क्या है आपको, यू ऑफ एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक भाई, इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब देखिए इसे इंटीग्रेशन एम डी एक्स के का वाई के साथ वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो देखो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, इसका वाई के साथ रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो हो जाएगा जीरो, इसका भी कितना हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ कैसा आएगा आपके पास आएगा एच एक्स, ठीक भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी एच एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो देखिए एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा आपके पास, एन की वैल्यू तो क्या है, एन की वैल्यू है एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ, ठीक है, इसमें से आपको बताएं डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई वैल्यू क्या है एच एक्स, हो जाएगा डी वाई प्लस एफ, ठीक है। आप देखिए डी वाई प्लस एफ आगे इसकी वैल्यू, अब आपको करना क्या है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, इंटीग्रेशन करने का हमें फंक्शन मिलेगा बी ऑफ y, तो बी ऑफ y हो जाएगा इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल y इंटू डी वाई, ठीक है, n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई प्लस एफ, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ वाई, ठीक है, तो ये बी ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी। आता है अवकल समीकरण हल क्या होगा, आता है अवकल समीकरण का हल, आता है अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा आपके पास u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई बराबर सी, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई बराबर सी हो जाएगा, जहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे डेट इज आप कह सकते हो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है a एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, और b ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, b वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ वाई बराबर प्लस एफ वाई बराबर सी, ठीक है, तो ये इस अवकल समीकरण का क्या होगा, इस अवकल समीकरण का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात आप एक और देख लीजिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करना है वो देख लीजिए, ठीक है भाई। देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एम डी एक्स एन डी वाई बराबर जीरो रूप की, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करो जो कि क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एम अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप लिखिए कौन से रूप की अवकल समीकरण है, ठीक है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप की है। ठीक भाई, दिएगा हुआ समीकरण कौन सी रूप की है? एम डी एक्स एन डी वाई बराबर जीरो रूप की है। जहां पर जहां एम क्या है, जहां पे एम की वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है टू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एग्जिटनेस की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखिए क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी आपके, इसका आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, इसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, जो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, इसका करोगे यहाँ पर दो फंक्शन है दोनों को किस प्रकार से करोगे, यू इंटू वी के फॉर्म लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले यू का डिफरेंशिएशन कर लो और वी को एज इट इज रख लो। फिर करना क्या है आपको, यू को एज इट इज रखना है, वी का करना है, तो वी क्या है, ए की पावर एक्स वाई, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर, तो ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर का ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और उसके पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा टू एक्स वाई। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगा टू एक्स वाई। तो देखो क्या आता है यहाँ पे, इसको सोल्व करने पर आ रहा है क्या टू, इसको सोल्व करने पर आ रहा है ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, टू वाई दोनों से कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या आ रहा है आपके पास, टोटल आपके पास आ रहा है वन प्लस टू, सॉरी वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू टू वाई इंटू ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक भाई, आपके पास क्या आ रहा है, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू टू वाई ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसकी वैल्यू अभी डेल अपॉन डेल वाई। अब उसके पश्चात डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, देखो इसकी तरफ वैल्यू कितनी ज्यादा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन किसके द्वारा करो, यू इंटू वी के फॉर्मूले से, तो यू इंटू वी के फॉर्मूले से करो, जो क्या आ रहा है, यू का डिफरेंशिएशन करो, यू का डिफरेंशिएशन तो आ रहा है आपके पास टू वाई और वी को एज इट इज रहने दो। फिर करना है क्या आपको, फिर आपको करना है यू को तो आपको एज इट इज रखना है और वी का आपको इंटीग्रेशन करना है, वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर, ए पावर ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ से देखते हैं दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर और टू वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी कैसे बचेगा, वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू टू वाई इंटू ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक भाई, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आता है दी गई अवकल समीकरण, आता है दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक भाई, आता दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, आप देखिए यथार्थ अवकल समीकरण है, तो आपको अगेन क्या करना है, वही उन्हीं चार स्टेप्स के अंदर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करोगे, आप एक फंक्शन फाइंड आउट करोगे यू ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर। ठीक भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन एम डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एम की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू ए के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इंटू ए के पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, आप देखो आप जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब वाई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन किसका करना है, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर का। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स होगा बटा डिवाइड में क्या चल जाएगा, बटा इसके एक्स के जो पावर है ना एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ चला जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वो कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ठीक भाई, वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, सिर्फ किसका करना है इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर का, तो ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स वाई स्क्वायर का करना आपको डिफरेंशिएशन वाला एक्स रेस्पेक्ट में और उसका भाग देना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर और उसका क्या करना है, भाग देना है। ठीक भाई, फिर उसके पश्चात फोर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा एक्स की पावर फोर। देखो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या शेष बचेगा, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई
किसके यू ऑफ एक्स करेंगे। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, अब वैल्यू आप फाइंड आउट करो डेल यू अपॉन डेल वाई की, ठीक है। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो डेल यू अपॉन डेल वाई की। तो सेकंड स्टेप में देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एन डी एक्स, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर। एक्स की पावर फोर का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा जीरो, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और एक्स के और पावर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई इस पर, ठीक है। अब उसके पश्चात करना क्या है आपको, थर्ड स्टेप के अंदर आपको एन माइनस वैल्यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। एन माइनस वैल्यू अपॉन डेल वाई वैल्यू फाइंड आउट करनी। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है टू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से किसकी वैल्यू लेस करनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई की। तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या शेष बचेगा, आपके पास शेष बचेगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप में करना क्या है, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको इस फंक्शन एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन करना है y एक्सिस में, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा फंक्शन v ऑफ y के। तो ये हो जाएगा v ऑफ y बराबर इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू रिप्लेस करो, ये क्या आ जाएगी माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का y क्यूब, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का y क्यूब हो जाएगा। अब फाइनली करना क्या है, u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ y को ऐड कर देना है, जो कि क्या है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए अतः दी गई अवकल समीकरण का हल, अतः दी गई अवकल समीकरण का हल, दी गई अवकल समीकरण का हल क्या होगा, हल u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y बराबर c होगा। अर्थात u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है e की पावर x y स्क्वायर प्लस x की पावर 4 और v ऑफ y की वैल्यू है माइनस y क्यूब। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर x y स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस y क्यूब बराबर c, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एच करवाएंगे और उसका जो मेथड है उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।